हम पद्मिनी एकादशी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत को करने से जन इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पद्मिनी एकादशी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत को करने से जन इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको पद्मिनी अर्थात कमला एकादशी व्रत कथा और उसका महत्व बताने जा रहा हूँ। इस कथा के सुनने और पढ़ने से यश तथा वैभव प्राप्त कर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलो चलते हैं कथा की ओर। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए संवाद चल रहा था। तभी युधिष्ठिर जी श्री कृष्णा जी से बोले, हे प्रभु, आपने सभी एकादशियों के बारे में बताया है, कृपया कर मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा को भी विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। तभी युधिष्ठिर जी को लीलाधर समझाने लगते हैं और क्या कहते हैं, आइए कथा के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। बोले भगवन, हे राजन, मैं कथा सुनाऊंगा, इसका सार मैं विस्तार से तुम्हें बताऊंगा। अधिक मास में शुक्ल पक्ष जो एकादशी आती, हे राजन, वो कमला एकादशी है कहलाती। एक वर्ष में 24 एकादशियां हैं आती, अधिक मास के कारण 26 है ये हो जाती। दो अतिरिक्त ये एकादशियां पद्मिनी और परमा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से मल मास जन्मा। सब विद्वान विष्णु की महिमा बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत को करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का दशमी से भक्तों शुभ आरंभ करें, कांसे के पात्र में जो चावल फिर आहार करें। नमक का सेवन इस व्रत में ना व्रती है फिर करते, ब्रह्मचर्य का पालन कर फिर धरा पे है सोते। ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी को शौच को फिर जाए, मंजन जल के बाहर कुल्लों से पावन हो जाए। सूर्य आगमन से पहले ही करने जाए स्नान, गोबर मिट्टी तिल कुशा से करे शुद्ध स्नान। आंवले का भी चूर्ण तो फिर जल में गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत को करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर ध्यान करें,
श्री विष्णु जी के मंदिर को फिर प्रस्थान करें। श्रद्धा भाव से श्री हरि का करें वहां पूजन, हरि की कृपा से सारे ही मिट जाते हैं अवगुण। बोले कृष्णा ये व्रत तो पाप को हरने वाला, यश वैभव वैकुंठ को भी तो ये है देने वाला। जन्म मरण इस व्रत से भक्तों सब छुट जाता है, हरि भक्ति पा करके मानो तृप्त हो जाता है। आगे की कथा फिर गिरधारी उनको बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत को करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धर्मराज को गिरधर ने पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व बताया और बोले कि अब मैं आपको पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक सुने। त्रेता युग में एक है नामक राजा के वंश में एक कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मती राज्य में राज्य करता था। उस राजा के 1000 रानियां थीं। राजा अपनी सभी रानियों से अत्यधिक प्रेम करता था, किंतु उनमें से किसी से भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ जो राज्य को संभाल सके। राजा ने देव ऋषि मुनियों वैद्य आदि को दिखाया, किंतु असफल रहा। तो भक्तों, आइए आगे की कथा आप सभी को बताते हैं। फिर राजन ने तप करने का है संकल्प लिया, परम प्रिय रानी को भी अपने है साथ लिया। इच्छा को वंश के हरिश्चंद्र किए तो कन्या, रूपवती गुणवती परम प्रिय वो तो थी सुकन्या। राजा और रानी ने राज मोह त्याग दिया, अपने मंत्रियों को राज्य का कार्यभार है दिया। भेष तपस्वी रख दोनों ने किया है वन प्रस्थान, गंधमादन पर्वत पर दोनों फिर तो गए हैं। घोर तपस्या फिर दोनों करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत को करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उस पर्वत पर दोनों ने फिर किया है तप भारी, 10,000 वर्ष तपस्या किए हैं तपधारी। किंतु कोई पुत्र प्राप्ति का ना फल पाया है, अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को समझाया है। अनुसुईया ने मल मास का महत्व बताया है, 32 मास के बाद ये आता सच बतलाया है। मल मास की एकादशी जो व्रत रख पाओगी, व्रत के पुण्य से पुत्र रत्न का तुम वर पाओगी। जो बतलाया अनुसुईया ने तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत को करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
रानी पद्मिनी ने इस व्रत को श्रद्धा भाव किया। निराहार रहकर भक्तों हरि का गुणगान किया। दीन दयाला भक्त कृपाला विष्णु जी भगवान, हो प्रसन्न रानी को है दिया पुत्र वरदान। फिर तो राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, कार्तवीर्य बलवान गुणी सामर्थ्यवान है हुआ। उसके जैसा तीनों लोक में ना था कोई हुआ, श्री हरि विष्णु के जैसा राजा कलाल हुआ। राजा रानी श्री हरि जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत को करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत है ये किया, श्री हरि की कृपा वो पाकर फिर धन्य हुआ। श्री विष्णु अपने भक्तों पे सदा कृपा करते, रोग दोष हर भक्त जनों को मुक्ति फिर देते। पद्मिनी एकादशी की गाथा जो रस पान करे, पाप नष्ट हो पुण्य से फिर तो सुख धन धान्य भरे। डीएस पाल ने पद्मिनी एकादशी सुनाई है, मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाई है। प्रेम तनय में हरि चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत को करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान।